वेलकम व्यूअर्स। और बात करने वाला हूँ मैं विकास लाइफ केयर के बारे में दोस्तों। इसके ऊपर मैं अपना विश्लेषण शेयर करने वाला हूँ। मेरे पास कमेंट वगैरह भी आ रहे हैं कि अब इस पर क्या व्यू है आपका, वो शेयर करिए। न्यूज़ क्या आ रही है वो भी बताऊंगा, FIIs स्टेक बढ़ा रहे हैं वो भी बताऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, क्या टारगेट हो सकता है, सारा मैं कवर करने वाला हूँ। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, कंप्लीट वीडियो देखिए तभी आपको कुछ लॉजिक समझ में आने वाला है, क्योंकि इस पर मैं बहुत लंबे समय से वीडियो कवर कर रहा हूँ दोस्तों। जब इसका जो राइट इशू वगैरह नहीं आया था उससे पहले से मैं इसमें वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो कंप्लीट वीडियो देखिए। और सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। स्टॉक दोस्तों एक सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है, बिल्कुल लिमिटेड डायरेक्शन के अंदर कह सकते हो आप। ना 1-1.5 रुपये की ऊपर की मूवमेंट आ रही है, ना 1-1.5 रुपये की नीचे की मूवमेंट आ रही है। थोड़ा बहुत दोस्तों निगेटिव न्यूज़ भी थी, स्टेचुरी ऑडिट का रिवीजन भी था जो अपडेट आया था, मैं वो भी आपको कवर कर लेता हूँ। और बेसिकली दोस्तों ऑडिटर जब कंपनी छोड़ते हैं, या कोई भी रीजन हो, फीस हो या कुछ भी हो, जैसे उसमें बताया गया है, बट एक फाइनेंशियल जो कंट्रोल होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है उसकी वजह से। क्योंकि एक अकाउंटिंग फर्म कह सकते हो जो काम कर रही है, लगातार ऑडिट कर रही है, उसको पता है कैसे क्या देखना है, कैसे क्या होना है। लेकिन अगर वो बीच में या कह सकते हो मिडिल में जाती है, तो दूसरी आएगी, जब तक वो कवर अप करेगी चीज़ें, तब तक दोस्तों थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी वजह से थोड़ा हमें करेक्शन भी देखने को मिला स्टॉक के अंदर। आगे क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। साथ साथ दोस्तों पॉजिटिव खबर भी थी, इनको जो इनकी सब्सिडरी है उनको कह सकते हो एक ऑर्डर वगैरह मिला कमर्शियल, जो अडानी गैस इंडियन ऑयल की तरफ से था। सो प्रॉपर कंप्लीट डिटेल नहीं है इसमें, बट ये पॉजिटिव था। सब्सिडरी इनकी जो है उसमें लगभग इनका 75% स्टेक है। सो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए अच्छा है इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से अगर ऑर्डर मिले तो। सो ये कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी खबर थी, बहुत अच्छी न्यूज़ थी। साथ साथ दोस्तों इनके लगातार फंड रेजिंग के नए नए प्लान सामने आ रहे हैं, 2 बार राइट इशू ला गए हैं, अलग अलग मेथड से ये फंड जुटाने में लगे हैं। और जो लास्ट ये रिपोर्ट है कह सकते हो, ये अनाउंसमेंट है, उसके ऊपर जो दिख रहा है फ्लोर प्राइस, इन्होंने 5.03 रुपये का फ्लोर प्राइस बताया है, जो कि करंट जो वैल्यू है प्राइस की स्टॉक की उसके आसपास है। तो बिल्कुल कह सकते हो एक 3 रुपये, 2.5 रुपये, 2 रुपये वो वाला हिसाब नहीं है, 5 रुपये का फ्लोर प्राइस बता रहे हैं, तो अच्छा खासा है। कह सकते हो जिसने अगर 3 रुपये की 3.30 रुपये राइट इशू में बाइंग की होगी, होल्ड रखा होगा अभी तक, जाहिर सी बात है उसके पैसे दुगने तो हो ही गए होंगे इसके अंदर। मैंने बहुत लंबे से पैसे कवर किया है। साथ साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर्टिकुलर इस स्टॉक का है फाइनेंशियल, सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ आपको। जब तक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी चीज़ें, ये जो इतने दिखाया है मार्च वाले क्वार्टर में कि भैया हमारा रेवेन्यू भी इतना जंप कर गया करोड़ों में, प्रॉफिट भी 28 करोड़ के ऊपर जंप कर गया, जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है लास्ट उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें इन्होंने दिखाया है जो पहले ये कह सकते हो बिल्कुल प्रॉफिट ना के समान था, और जो ट्रेंड था वो भी नीचे की ओर बढ़ रहा था, यहाँ पर इन्होंने एक बाउंस दिखाया है भैया ब्रेकआउट करके, कि भैया हमने रेवेन्यू इतना बढ़ा दिया, प्रॉफिट इतना बढ़ा दिया, जो कि मार्केट ने बहुत पॉजिटिव लिया, इसकी वजह से स्टॉक के अंदर तेजी भी देखने को मिली। पर मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, जब तक ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल लगातार अच्छे पोस्ट नहीं करेंगे, लगातार कह रहा हूँ दोस्तों, देखो एक क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा पोस्ट करने से आगे क्या होगा लंबी प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकती, कम से कम इनको 3 से 4 क्वार्टर लगातार अच्छे पोस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं भैया इस कंपनी की डायरेक्शन किस ओर है। और दोस्तों इसके पीछे मेरा कहने का सबसे बड़ा लॉजिक यह है, अगर आप इसके फाइनेंशियल देखते हो लास्ट क्वार्टर के देखिए, बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है मुझे, चाहे वो प्रॉफिट में देख लो कि भैया मार्च में तो इन्होंने बहुत अच्छा खासा जंप कर दिया, लेकिन फिर वही जून में जाके फिर डाउन हो गए। फिर वहीं अगर हम इनकम की बात करें, सेल की भैया, टर्नओवर वगैरह की, तो देखिए यहाँ भी गिरावट हो गई। तो दोस्तों ये चीज़ नहीं चाहिए, लगातार इम्प्रूवमेंट चाहिए, चाहे कम कम हो। ऐसा नहीं है कि एक बार आप 23 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हो, उसके बाद सीधे 2 करोड़ का जा रहे हो, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लक्चुएशन है। तो इसको कहीं ना कहीं इनको संतुलन में लाना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों पर्टिकुलर इस स्टॉक के साथ ये है, देखिए मैं आपको प्रॉब्लम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इस स्टॉक के लचीले पॉइंट है। लचीले मीन्स बिजनेस हो रहा है, नए नए बिजनेस इक्वायर कर रहे हैं, नए नए फंड रेजिंग कर रहे हैं, नए नए बिजनेस अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सही है, बट फाइनेंशियल के अंदर वो लगातार दिखना चाहिए, ये मेरा कंसर्न है इसके अंदर। दूसरा, जो इनके प्रमोटर की होल्डिंग है वो दोस्तों बढ़ती भी नहीं दिख रही मुझे, कम होती भी दिख रही है। ये देखिए मार्च में भी इन्होंने पहले बाय किया फिर सेल कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म। हालांकि FIIs ने दोस्तों आप देखोगे स्टेक इसके अंदर 12% कर लिया है जून क्वार्टर के अंदर, जो कि एक बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत बड़ा स्टेक कह सकते हो आप। प्रमोटर की होल्डिंग 13% है और FIIs की होल्डिंग 12% है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बट FIIs का कोई भरोसा नहीं होता दोस्तों, आप लोगों को पता ही है। FIIs जब सेल करने में आते हैं तो फिर वो आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, रिटेलर को ऊपर बाय करवाते हैं टॉप पे और अपना बेचे भाग जाते हैं, रिटेलर वहीं 6-7 रुपये, 8 रुपये में लेके बैठा रहता है। तो थोड़ा सा आपको सतर्क भी रहना है क्योंकि इसके अंदर FIIs है। साथ साथ दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग कम होती जा रही है, आप लगातार देख सकते हो, अगर आप देखते हो जून में 20% से ऊपर थी, वहीं सितंबर में 14% और अब जून 2022 में 13.31%, तो लगातार कम हो रही है। इसके अंदर भी इनको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अगर ये स्टॉक को, इस कंपनी को आगे बहुत बढ़ना है तो, क्योंकि अदर फैक्टर बैलेंस शीट के दोस्तों थोड़ा पॉजिटिव दिख रहे हैं।
कैपिटल बढ़ती हुई दिख रही है 110 करोड़, रिजर्व्स में इजाफा हुआ है 89 करोड़, बोरोइंग्स कम हुई है लोन वगैरह 7 करोड़, एसेट्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, WIP भी इनका है और ये लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तब जाके एक स्टॉक के अंदर एक बड़ा टारगेट लंबा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। तब तक दोस्तों अभी आप देखते हो कि बिल्कुल अगर चार्ट के अंदर देखते हो तो ये स्टॉक बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, ये वीकली चार्ट है दोस्तों, और वीक की अगर आप रेंज देखते हो तो पर्टिकुलर इसी दायरे के अंदर ये एक दो महीने से टिका हुआ है, कभी दो तीन दिन अपर सर्किट लग जाता है तो कभी लोअर सर्किट लग जाता है, तो कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया इसके अंदर और अभी ये अपने बिल्कुल सपोर्ट लेवल के आसपास है। इसका जो सपोर्ट लेवल मैं बार बार बताते आ रहा हूँ 4.40 रुपये से 5.15 रुपये तक, ये रेंज पूरी इसकी सपोर्ट रेंज है दोस्तों, आपको समझना है। इस रेंज पे जब भी आया है, एक इस पे स्पार्क आया है, फिर दोबारा आया है, फिर स्पार्क आया है, फिर दोबारा, मतलब जितने बार आया है उतने बार इसको एक अपसाइड का धक्का मिला है पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन से, और जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है तब तक इस स्टॉक के अंदर मुझे खतरा नहीं दिखता है। 4.40 रुपये का सपोर्ट ही जब तोड़ेगा तभी इसके अंदर थोड़ा खतरा आएगा दोस्तों, और ये छोटा स्टॉक है, पैनी स्टॉक है, तो मेरी एक व्यू है इसके अंदर या एक रिक्वेस्ट है, भैया कम से कम पैसे लगा के बैठो। देखो ऐसे स्टॉक होने चाहिए पोर्टफोलियो में, बट ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही स्टॉक हो और यही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। पोर्टफोलियो का 5-7% आप इसमें लगा के छोड़ने वाली बात है लंबे समय के लिए, और ये भी ऐसा नहीं दोस्तों कि 6-7 रुपये में बाइंग करो, जब ये टाइम था 3-4 रुपये उस टाइम पर बाइंग की करनी चाहिए थी। अभी तो मेरा जो व्यू है इसके अंदर, एटलीस्ट इसका ये ब्रेकआउट दे तब इसके अंदर एक बड़ा पावरफुल व्यू कह सकते हो तेज़ी आ सकती है आने वाले टाइम में, और जो हाई चांसेस लगते हैं दोस्तों अगर ये हम पैटर्न की बात करें तो थोड़ा सा ये डब्लू पैटर्न करके फॉर्म बना रहा है, अगर इसको बना लेता है यहाँ तक तो जाहिर सी बात है ये इसका ब्रेकआउट करेगा तो अगला 8 रुपये तक के टारगेट हमें इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। बट उसका कंडीशन यही है कि जो रेड कैंडल है बड़ी वाली, मैं ये भी मार्क कर देता हूँ, ये वाली, इसके ऊपर प्राइस की क्लोजिंग आनी चाहिए, आप समझे, इसके ऊपर प्राइस की क्लोजिंग आनी चाहिए, और थोड़ा सा जल्दीबाजी वाला स्टॉक नहीं है ये, इसको तो बिल्कुल लेके और छोड़ के और बैठना पड़ेगा दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर अगर ये इजाफा करते हैं तो जाहिर सी बात है ये स्टॉक हमें बहुत बड़े टारगेट भी दे सकता है आने वाले टाइम में। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आएगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल रहा हूँ, अगर आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसको भी ज्वाइन करके रखिए, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।